दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच और एक मुकाबला बहुत जल्द हमारे सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने वाला है कुछ ही दिनों में। कहाँ पर होगा, कैसे होगा, कौन से सीरीज में होगा, आप कैसे देख सकते हैं, कब होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो बायलैटरल सीरीज है यानी इन दोनों के बीच जो सीरीज है वो तो फिलहाल बंद है और ICC ने भी कह दिया कि इसमें इन दोनों में कोई सीरीज नहीं होगा। अगर BCCI और PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर नहीं चाहता है तो इन दोनों में बायलैटरल सीरीज नहीं होगा। और म्यूचुअल वेन्यू में यानी UAE जैसे देश में अगर बायलैटरल सीरीज आयोजित किया जाए तो भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा, ये कह दिया है। और इंडिया तो पहले से ही नॉन इंटरेस्टेड है, लेकिन दोस्तों ICC के जो इवेंट्स है वहां पर देखा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच। हर एक वर्ल्ड कप में हम लोग देखते हैं, तो आने वाला जो वर्ल्ड कप है वहां पर तो हम देख सकते हैं। वहां पर अगर ग्रुप होता है, ग्रुप में अगर इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में होता है वहां पर देख सकते हैं, या फिर अगर सेमीफाइनल होता है वहां पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले भी और एक सिचुएशन है जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हमें देखने को मिलेगा, तो वो कहां पर है दोस्तों? 2022 साल के सितंबर में आयोजित होने वाला है एशिया कप, और एशिया कप इस बार कहां पर होगा? श्रीलंका में। जी दोस्तों, और श्रीलंका में एशिया कप होने की वजह से पाकिस्तान टीम श्रीलंका जाएगा और टीम इंडिया वहां पे एशिया कप का दौरा करेगा। एशिया कप में इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश रहता है, और अभी अफगानिस्तान जुड़ गया है। नेपाल भूटान को एंट्री मिलेगा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन दोस्तों इस एशिया कप के चलते इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आयोजित होने वाला है श्रीलंका में, और सितंबर 2022 साल में ये मैच होगा। और ये मैच बहुत महत्वपूर्ण मैच होगा क्योंकि उसके अगले ही महीने होगा T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तो ये आप प्रैक्टिस कह सकते हैं या फिर जो भी कुछ। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये मैच में जो होगा सबसे महत्वपूर्ण बात होगा कि इंडिया लेना चाहेगा बदला पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की हार के कारण ही यानी पाकिस्तान के साथ इंडिया के हार के कारण ही लगभग सेमीफाइनल से बाहर हो गया था टीम इंडिया। तो आने वाला जो सीरीज होगा न्यूजीलैंड के साथ वहां पर भी टीम इंडिया हिसाब किताब करेगा और पाकिस्तान के साथ भी टीम इंडिया का होगा हिसाब किताब। तो दोस्तों आप क्या एक्साइटेड है एशिया कप के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इस बार कौन जीतेगा, इंडिया पाकिस्तान, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।